और इसलिए यहाँ विदुर जी सावधान करते हैं कि देखो जब जीवन के अंदर ऐसे प्रलोभन आवे तो अपने मन को तैयार कर लेना, क्योंकि इंसान की परीक्षा और इंसान जीवन में क्या अनुभव लेके सीखा है उसकी परीक्षा ही तब होती है जब जीवन में ऐसी कोई कमजोर क्षण आती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो पता नहीं चलता कि जो पढ़े हैं, जो सीखे हैं, जो जीवन का एक्सपीरियंस लिया है उसका अमल कैसे करना। लेकिन जब जीवन में ऐसी कमजोर क्षण आती है ना, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि व्यक्ति के व्यवहार को देखना हो ना, यदि व्यक्ति का मूल व्यवहार कैसा है देखना हो ना, तो उसे बहुत सम्मान देना। और बहुत सम्मान दोगे या ऊंचे पद पे बैठाओगे तो पता चल जाएगा, जब तक नीचे था अपनी तरह था, और जैसे बड़ी सत्ता मिल गई, बड़ा पद मिल गया, और मूल रंग दिखाना चालू किया। जब यदि व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है ये देखना है तो उसे बहुत सम्मान दो। कहा कि उसकी आदतें कैसी हैं ये देखना है तो उसे स्वतंत्रता दो। घर में सबके बीच में बैठा है तो कैसा भी होगा लेकिन कंट्रोल में रहेगा, और जैसे ही अकेला भेजा और उसकी मूल आदतें बाहर प्रगटे बिना रहेंगी नहीं। आदत देखनी है स्वतंत्रता दो। उस व्यक्ति की नीयत देखनी है तो उससे थोड़ा कर्ज दो, लोन दो। उसकी नीयत कैसी है ये देखना है तो उसे कर्ज दो। और यदि व्यक्ति के गुण देखने हैं तो उसका संग करो। थोड़े दिन रोगे पता चल जाएगा कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। और इसीलिए यहां पे परखने का प्रकार भी बताया कि कोई आके कैसी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करे, पर विदुर जी कहते हैं कि जीवन के अंदर जो छल करके, जो कपट करके यदि कुछ पा भी लिया, तो कपट करके पाई हुई वस्तु, किसी का दिल दुखा के पाई हुई वस्तु या कहीं से लूट के लाई हुई वस्तु कभी भी इंसान को सुख नहीं दे सकती। करता वो है लेकिन भुगतना उसकी संतति को पड़ता है, आने वाली पीढ़ियां भुगती रहती है। ये ऐसी वस्तु है, इसलिए जीवन में मैं हमेशा कहता हूं ये दो वस्तु से हमेशा डर के रो। एक तो किसी के हक की वस्तु मत लो और दूसरा किसी की हाय मत लो। ये दो वस्तु से जीवन में हमेशा डर के रहो। ये वस्तु ऐसी है इंसान को कहीं से कहीं एक सेकंड में ले जाती है, पता भी नहीं चलता। और इसलिए यहां सावधान कर रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को कि जो पांडवों की संपत्ति तुम छल से छीन लेना चाहते हो उसका मोह हटाओ, क्योंकि छल से मिला हुआ तुम्हें यदि बहुत सुख दे देगा ऐसा मान रहे हो तो ये तुम्हारा भ्रम है।